हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज है 15 अगस्त, सो आप सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड बाहर का पहले नज़ारा दिखाता हूँ, देन फिर हम आगे बात करते हैं। ये देखिए गाइस, बारिश यार, मतलब एटलीस्ट आज का दिन तो रह जाता, बारिश ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन ये है हमारा इंडिया, यहाँ ये देख इतनी बारिश हो रही है। अब मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, पर आप झंडा देखिए यार, मतलब जैसे ही गेट खोलो ना एकदम सामने दिखता है, इतना अच्छा लगता है देखकर। तो बारिश हो रही है एंड आज हमें फिर से जाना था इनके हेयर्स का, आज मतलब जब इनका हुआ ना, और एक्चुअल में वो ब्लॉग आपने देखा होगा, उसमें दीदी का जो रिएक्शन था कि इनके लॉन्ग हेयर्स देखकर, तो मतलब मैंने वो एकदम कैप्चर किया। वो रिएक्शन ना कैप्चर नहीं हो पाया है। अच्छा, नहीं हो पाया है तो मतलब वो मेरी आईज ने कैप्चर करी है। मुझे लगा शायद मैंने उसको शूट कर लिया, पर सॉरी मैं उसको नहीं कर पाया। पर उनका जो रिएक्शन था ना, मतलब हेयर्स देखकर तो मुझे लगा कि यार, और इनका भी मन था और मुझे भी लगता था कि हाँ, अगर हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लेते हैं तो इनके फेस पर, इनके हेयर्स के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड हमारा लेने का जो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न था वो ये था कि थोड़ा सा हेयर केयर नहीं हो पाती थी इनकी, जो ये नहीं करती हैं, जो भी करती हैं मम्मी करती हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए कि क्वालिटी अच्छी रहे, कोई प्रॉब्लम ना जाए, इसीलिए। सो जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, दीदी स्ट्रेटनिंग मत कराओ, इससे हेयर्स खराब हो जाएंगे। तो उन लोगों को मैं बताया, तो मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं कराई है। मेरे बाल जैसे है, मतलब नेचुरली जितने हैं वैसे ही है, थोड़े से वो रफ रफ से हो गए थे, बस मैंने बालों को प्रोटीन दिलवाया है। बस जैसे हम लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं, वैसे हमने बालों के लिए भी करवाया है प्रोटीन। मैंने भी हेयर कलर लिया है, तो आप लोग देखकर बता सकते हैं कि कलर कैसा लग रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है आप। सच में बहुत अलग लग रहा है आप। मैं ऐसा ही कलर चाह रहा था हमेशा से, कि एक तो मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैं हमेशा से ये कलर चाह रहा था कि ऐसा कलर लें कि जो फेस पर अच्छा लगे। आपके हेयर का कलर का रिफ्लेक्शन मेरे बालों पर भी आ रहा है। एंड पता है, ये मतलब जो कलर था, ये रिफ्लेक्शन कलर था, इसका धूप में कुछ और होगा। एंड नॉर्मल टाइम पर, मतलब जैसे अभी मैं अपना कलर देखूंगा ना, तो मुझे नॉर्मल ही लगेगा, पर वो कैमरे में एक्चुअल में कैप्चर हो पा रहा है सही कलर। हाँ, और धूप में जब होगा ना, तो जब धूप निकलेगी हमारे भोपाल में, पता नहीं कब निकले। तो आज बेसिकली हमें मार्केट भी जाना है, और हेयर वॉश है तो उसके लिए भी जाना है। टाइम हो रहा है 2:30, तो हम लोग निकलते हैं, रास्ते में करते हैं ढेर सारी बात। मैं बैक कैमरे से आपको लोग दिखा देता हूं। नहीं, ऐसे ही नहीं क्या हो गया गाइस, मैंने हेयर कट भी करवाया था। आप लोगों ने पहले उन लोगों को देख लिया, ज्यादा नहीं करवाए, थोड़े थोड़े करवाए। हाँ, नीचे के जो रफ हेयर्स थे बस उसे ही बस निकलवाए, क्योंकि हमारा स्ट्रिक्टली ये था कि हेयर लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, पर वो रफ हेयर्स थे इसलिए मेरे होते हुए इनके बाल कभी छोटे नहीं हो सकते हैं। ये है। चले। सो गाइस, हम जस्ट बाहर ही गए हैं सैलून में, एंड फाइनली आज मेरा हेयर वॉश हो जाएगा। वाओ, क्या लुक लग रहा है ना एंड में। हेलो, बहुत सुंदर लग रहा है। वाओ, ये है इंडिपेंडेंस डे का फील। वेलकम। हेलो, ओ वाओ, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। ठीक है ओके, मेकअप चल रहे हैं और मैं देख कर आती हूँ। हाँ,
वाओ गाइस, ये है यहाँ का मेकअप रूम। आज तो पूरी थीम ही चेंज है। और यहाँ पे देख कर रहे हैं मेकअप। वाओ बढ़िया, बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू, आपकी मेहरबानी। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। आज भी स्टार्ट हो गए इनके बालों की मरम्मत। उस दिन भैया उस दिन तो आप बैठ बैठ के कर रहे थे। जब तक खड़े होकर बन रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद फिर बैठना ही है ना। अभी तो नीचे ना, इसलिए खड़े होकर चल रहा है। हाँ। नीचे ऊपर पहुंचते हैं हम हेड को तो नीचे बैठना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि देखो ना बाउंड्री लाइन से बड़े बड़े इतने तो हमारे क्रिकेटर भी सिक्स तो के नहीं मारते नहीं बड़ा। जेनेटिक ही लंबे हैं और मुझे भी पसंद थे तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो आज तक मैंने फिर कट नहीं होने दिया हूँ। आज 6-7 साल हो रहा है। सर आपने बाल देखे पसंद नहीं? नहीं, मैं बिना देखे पसंद किया हूँ। बाल तो मैं बाद में देखा हूँ। आपकी शादी फिक्स हो गई? अच्छा, और एंगेजमेंट हो गई? क्या बात है, एंगेजमेंट कैसे हो सकती है बिना देखे? जैसे आप लोगों की शादी की देखी हुई कैसे? हमारे पे फोन दिन हुआ था शादी के लिए, लेकिन उसके बाद तो देखे। हाँ, मेरे तो देखे नहीं आए। तो अंगूठी आप नहीं पहनाएंगे कि किसी और से पहनवा दिए? अच्छा, रजिस्टर्ड हो गए आप? भैया ऐसा मत बोलिए, हो सकता है आपकी होने वाली वाइफ हमारा व्लॉग देख रही तो कसम से वहां से आएगी चप्पल उड़ती हुई आपके पास। अपने हेयर को प्रोटीन दिलाने के लिए भी कितना दर्द सहन करना पड़ता है। देखिए गाइस, तो आप भी अगर ये चीज करवाना चाहते हैं तो उसके पहले अपने आप को बहुत मजबूत बना लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। क्योंकि जब बाल खिंचाते हैं ना तो गाइस, आपको मैं हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगी। इट्स नॉट अ स्ट्रेटनिंग प्रोसेस, मतलब कम्प्लीटली ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जिससे हम डैमेज और डल हेयर्स को नरिशमेंट देते हैं बाहर से। जब स्किन में हमारे बॉडी में खुद से प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे बाल बहुत डल और ड्राई हो जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही अनमैनेजेबल एंड टेंगल्स जिसमें बहुत ज़्यादा फील होते हैं। तो ये एक कम्प्लीटली हेल्दी प्रोसेस है, इसमें आपके बालों को कोई भी डैमेज नहीं होता है। ये स्ट्रेटनिंग प्रोसेस नहीं है, इनका नेचुरल वॉल्यूम जो है वो एजिटीज रहेगा, बस हमने इन्हें डैमेज फ्री कर दिया है और अब ये एकदम प्रिटी और बहुत शाइनिंग है। थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा, ऐसा नीचे की तरफ ले जाते हुए ही लगाना चाहिए, है ना? शैम्पू भी और वो भी, कंडीशनर भी, शैम्पू भी। हाँ, कंडीशनर होता है लेंथ के लिए,
शैम्पू होता है स्कल्प के लिए, यहाँ पर कंडीशनर अपन लगाएंगे तो ये पोर्स बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। अच्छा। उसको अपन क्या पहले तो जितने भी शैम्पू का नाम करता है पोर्स बंद कर देते हैं। तो ये हमारे लिए कॉफ़ी बन के आ चुकी है और इन्हें अभी कंडीशनर लगा है, तो जब तक कॉफ़ी इंजॉय करते हैं फिर हेयर वॉश होगा अच्छे से, है ना। नहीं आप लोगों की बन रही? अच्छा आप लोग चाय वाले हैं। सही बात। हाँ ये सही है आपका, 4-6 बार करवा लेंगे ना तो फिर एक वो हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से करना है क्या। किसी किसी को तो ये नहीं पता है कि प्रॉपर हेयर वॉश कैसे होता है, कैसे होता है। हम भी सीख जाएंगे, मैं भी देख देख के सीख जाऊंगा, शूट करके ले जाऊंगा घर जाकर उसको रिपीट मोड में देखूंगा। आपको तो नीड है ज्यादा। मुझे ज्यादा जरूरत है इसकी। मुझे चीजों की नीड है आपको तो इस वजह से। थोड़ी देर बाद मुझे एक पर्सनल क्लास लेनी पड़ेगी आपसे कंप्लीट। कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा आपको। हेयर केयरिंग कैसे करें, वो भी घर वाले की। एक कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, अ कोर्स फॉर अ हस्बैंड। हस्बैंड लाइक कोर्स, ये कोर्स अलग से, सिर्फ ओनली हस्बैंड आ सकते हैं। सिर्फ हस्बैंड के लिए एक कोर्स है कि वो अपने वाइफ की हेयर की केयर कैसे करे। ये कोर्स मेरे को पर्सनली चलाना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग भी अलग लेवल की। हाँ नहीं आएंगे, मेरे जैसे हस्बैंड आएंगे जो वाकई चाहते हैं उनकी वाइफ के लॉन्ग हेयर रहे, वो जरूर आएंगे, टाइम निकाल कर आएंगे, भले ही वीक में एक दिन की क्लास लें पर वो लेने जरूर आएंगे। अरे मैं तो बोल रहा हूँ 1 घंटे क्लास ले लो, आप तो बहुत कुछ सिखा दूंगा। इतना तो हेयर वॉश सीख ही जाओगे। किस दिन आऊँ मैं? नहीं मैं आज ही आया हूँ, आप आज ही सिखा दो थोड़ा। हाँ कुछ तो मैं सीख ही रहा हूँ। तो अभी इनका हेयर वॉश हो चुका है कंप्लीट और भैया ने हेयर को काफ़ी हद तक ड्राई कर दिया है और उसमें सीरम लग चुका है, बस अब ड्रायर होना बाकी है, देन उसके बाद फिर स्ट्रेट लुक दिखेगा, है ना। जिस हिसाब से आप पूछ रहे थे ना, मतलब देख कर ही लगा कि मतलब कोई कर दे ऐसा तो मज़ा आ जाए। नहीं वो दीदी ने अच्छे से कहनी थी, पर हाँ मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा चलता रहा आधा घंटे तक। टाइमिंग होती है, आप सोचो कि नहाने के बाद हेयर वॉश करते रहे तो वो गलत है, शैम्पू निकल के बाद में मजा से गलत है। नहीं मतलब जिस हिसाब से मसाज मिल रही थी ना वो अच्छा लग रहा था, तो आप हेयर वॉश पकड़ लिया ऐसा। हाँ हेयर स्पा लीजिए एक बार आइए, ऐसा लोग जरूर ऐसा। कब आऊं? आप ही के हैं, ऐसा तो लग रहा है कि आप ही के, क्या शाइन कर रहे हैं यार, लिटरली सच में कुछ भी नहीं लगा है जबकि, तो मतलब ऐसा नहीं कि हमने आइनिंग लगाई है या कुछ किया है, सिर्फ हाँ। ट्राई किया है आपको सही लेना पड़ेगा इसके लिए इल्यूमिया वाला, तब जाके वो ज्यादा मंदर लॉन्ग टाइम चलेगा इसलिए स्पा बीच में आप लेते हैं नॉर्मल हेयर वॉश नहीं, बाकी वो क्लास लेना है जब तक मैं भी सीख जाऊंगा। हर संडे है ना, हर संडे हमारा फिक्स रहा करेगा। मैंने बोला जब भी कॉफी पीने का मन होगा हम लोग आ जाए करेंगे। उससे ज्यादा अच्छे रियल में है। हाँ, जितने अच्छे ये देखो, नॉर्मली सेम है।
ये ब्लॉग के बाद ना आपको एड मिलना शुरू हो जाएगी। हेयर ऑयल वाले ने सबसे पहले ढूंढेंगे कि कहाँ है अभी केस किंग। सो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं वहां से एंड अब जा रहे हैं हम मार्केट जाएंगे न्यू मार्केट है ना। पहले हम न्यू मार्केट जाएंगे देन उसके बाद जाएंगे हम घर। फाइनली मेरा हेयर वॉश हो गया है एंड हेयर बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं ना, इतने स्मूथ हो गए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा खुश है ना। आप है ना? आप है ना? अब मुझे तो अच्छा लग रहा है, नो डाउट देखकर सच। मैं भी हूँ बहुत ज्यादा। ट्रीटमेंट अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें मिल जाता है ना, तो एक अलग तरीके का वो फील आता है। और फिर किसी चीज के लिए आप पैसा लगा रहे हैं और उसको उसमें आपको वैसा मजा नहीं आ रहा है ना, तो फिर आपको मतलब अच्छा नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बुरा लगता है कि हमने इतना खर्च भी कर दिया और हमें वैसा रिजल्ट भी नहीं मिला, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बट यहाँ पे खुश हूँ, सैटिस्फाइड है, वेरी मच सैटिस्फाइड। एक तो वहाँ का जो एनवायरमेंट है ना वो बहुत बहुत मतलब यार सच में एक फैमिलियर टाइप का है। ऐसा नहीं है कि वो भी वहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी से अच्छे से बोल नहीं सकते, हंसी मजाक नहीं कर सकते। ये दो बार हम गए, हमारा सेकंड था वहाँ पर, सेकंड टाइम, तो दो टाइम में मतलब हम लोग एकदम खुल गए थे। ऑल द टीम ऑफ कारा यूनिसेक्स सैलून, थैंक यू यार, हैट्स ऑफ, आप लोग कमाल है। और दूसरी चीज ये गाइस मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अब मैंने सर्विस करवा ली है तो मैं फाइनली रिव्यू दे सकती हूँ, रिव्यू दे सकती हूँ कि रियल टाइम। हाँ आप ही बोल लो, मुझे बाद में बोलने देना गाइस। मैंने मैप ऑन करके रखा है, ये उसकी आवाज आ रही है हमारे गूगल दीदी की। तो हाँ, तो मैं अब रियल रिव्यू देने जा रही हूँ कि सच में सर्विसेस वहाँ के बहुत ज्यादा अच्छी है एंड हेयर्स बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं, पहले से बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। अभी हाँ थोड़ी मुझे केयर करनी पड़ेगी उसकी, बट ठीक है हो जाएगी। जब तक केयर करेंगी ना तो तब तक हैबिट भी हो जाएगी कि हाँ किस तरीके से करना है, क्या करना है, सारा कुछ। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, आप लोग भी अब आकर के बिल्कुल यहाँ की सर्विसेज ले सकते हैं। मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट एक बार तो मेरे कैन से मतलब आप सैलून में विजिट जरूर। हाँ, पता है यहाँ की एक अच्छी खासियत हमें क्या लगी है, मतलब स्पेशली मुझे, चाहे आप मेल या फीमेल कोई भी यहाँ पर विजिट करें, जो चीज आपके लिए सही होगी ना वो एक्चुअल में आपको वही सजेस्ट करेंगे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ मीठी शॉप में। आज 15 अगस्त है तो बिना बूंदी के लड्डू खाए दिन कैसे गुजार दे यार। तो अभी हम जा रहे हैं बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू। सो फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है एंड अभी हो रही है बारिश। एंड अच्छा है कि आज हम छाता लेकर, हम लोग एक ही पत्थर में पैर रख लिए थे इसलिए थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए। कोई नहीं, बैठते हैं अंदर। पहली बार मैं नीचे से शूट कर रही हूँ। सो गाइस वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड अभी बस हम पहुंचने वाले हैं घर, तो इस व्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक क्योंकि घर जाके हम सीधा चेंज करेंगे, सीधे करेंगे डिनर क्योंकि लगी है बहुत जोर। अभी इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, नए और प्यारे से ब्लॉग के साथ। एंड मेरे ये लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके, कमेंट तो जरूर करके बताइएगा। एंड इनके चैनल पर भी बहुत जल्दी आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। जिस भी टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं ना एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो आएगी। तो बाय बाय एंड गुड नाइट, लव यू ऑल।